हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मार्केट सीखो जी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल की कंपनी के बारे में, जो कि एक बहुत ही कमाल के सेक्टर से डील करती है और आने वाला फ्यूचर इस सेक्टर का बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लग रहा है मुझे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ईजी ट्रिप प्लानर के बारे में। कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर इसके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, और आपको मैं इसका चार्ट भी दिखाऊँगा। और जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए आ रही है बहुत ही बड़ी खुशखबरी, क्योंकि उनको मिलने वाला है स्प्लिट प्लस बोनस, दोनों का बेनिफिट एक साथ। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रेलिवेंट होने वाला है, और हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा 100% जेन्युइन कंटेंट। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ईजी ट्रिप प्लानर की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को ओपन करके रखा हुआ है, तो मैं आपको इसके प्रेजेंटेशन में लेकर जाना चाहूँगा। तो देखिए, यहाँ कंपनी ने क्लियर बता रखा है कि वो क्या काम करती हैं और किस किस सेगमेंट में वो काम करती हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है ना, ये कंप्लीट ट्रैवल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करती है। चाहे बात कर लीजिए आप एयर टिकट्स की, चाहे आप बात कर लीजिए होटल्स और हॉलीडे पैकेज की, चाहे आप बात कर लीजिए रेल टिकट्स की, चाहे आप बात कर लीजिए बस टिकट्स की, चाहे आप बात कर लीजिए टैक्सी रेंट पे लेने की, या फिर आप बात कर लीजिए ट्रैवल इंश्योरेंस की, वीज़ा की। तो कंप्लीट सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो B2C है और B2E है। इसके अलावा अगर बात करें कंपनी के जो सेगमेंट हैं, वो देखिए यहाँ कंपनी ने बता रखा है कि उसको किस सेगमेंट से कितनी ज़्यादा, कितने परसेंट के अंदर रेवेन्यू जनरेट होता है। तो देखिए, यहाँ आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये कंपनी का जो सेगमेंट है, मेनली कंपनी को जो सबसे ज़्यादा इनकम हो रही है वो एयर पैसे से हो रही है। इसके अलावा जो होटल और हॉलीडे पैकेजेस हैं, 2.9% का जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो रहा है। जो अदर्स हैं उनसे उसको 6.5 का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और इसके अलावा देखिए, यहाँ कंपनी ने कुछ अपने कुछ मेन बातें बता रखी हैं। देखिए, यहाँ कंपनी ने बता रखा है कि उनके पास 11 मिलियन प्लस कस्टमर्स है, कंपनी की ज्योग्राफिकल प्रेजेंस है काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर, 45,000+ ट्रैवल एजेंट्स हैं कंपनी के साथ जुड़े हुए, 400+ डोमेस्टिक एयरलाइन एक्सेस है कंपनी के पास, और 99% बुकिंग सक्सेस रेट है कंपनी के पास, और होटल जो कंपनी के साथ होटल पार्टनर्स अटैच हैं वो 2 मिलियन प्लस है पूरे वर्ल्ड वाइड में। और कंपनी की ग्रोथ देखिए आप, ईयर ऑन ईयर कंपनी की ग्रोथ का इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 है उसके कंपेटिव में फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर वन 2023 के अंदर ये कंपनी की 180% की ग्रोथ आई है। इसके अलावा देखिए, जो API पार्टनरशिप विद होटल्स है ये भी 28 है। और इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इस कंपनी का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है इस कंपनी को, वो ये है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से कंपनी का जो मोट है वो ये कि कंपनी का जो एफिशिएंट कॉस्ट मॉडल है ना, जो कंपनी का एफिशिएंट कॉस्ट स्ट्रक्चर मॉडल है वो इसको बनाता है इसके कॉम्पिटिटर से बिल्कुल अलग। वो इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि इनका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है बाकी इसके जो कंपेटिवज़ हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा कम है, तो ये अपने आप में कंपनी के लिए एक एज क्रिएट करता है। और देखिए, कुछ एक पैकेजेस यहाँ कंपनी ने अपने दिखा रखे हैं अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर, आप इनकी वेबसाइट पे जाके आप अपने लिए भी कोई पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, केरला का पैकेज बता रखा है, सिंगापुर का बता रखा है, अंडमान निकोबार का बता रखा है, मालदीव्स का बता रखा है, तो आप कंप्लीट पैकेज इनके चेक कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये पता है कि घूमना फिरना कभी भी बंद नहीं हो सकता, और ये ऐसा बिजनेस है जो हमेशा से ही ग्रोथ करता जाएगा। और यहाँ कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट प्रेजेंटेशन के अंदर नीचे बात कर रखी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए, कंपनी ने इस इंडस्ट्री की ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव के बारे में बता रखा है। देखिए, मैं आपको यहाँ क्लियर दिखाता हूँ। तो देखिए, यहाँ कंपनी ने बता रखा है कि टोटल ट्रैवल जो मार्केट है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर है, इंडियन रुपीज़ के अंदर ये बता रखा है, 2,770 बिलियन की ट्रैवल मार्केट है। और ये बता रहे हैं बाय 2027 तक ये यहाँ से 4,045 बिलियन की मार्केट होने वाली है। तो कितनी बड़ी ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है, आप ये देखिए।
इसके अलावा देखिए कंपनी ने बता रखा है ऑनलाइन जो ट्रैवल मार्केट है इसका इन्होंने ग्रोथ पर्सपेक्टिव बता रखा है। तो देखिए ये बता रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर जो कि ये 1865 बिलियन इंडियन रुपीज़ के अंदर की मार्केट है, ये बाय फाइनेंशियल ईयर 27 ये यहाँ से हो जाएगी 2980 बिलियन। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आप कह सकते हैं कि ग्रोथ पर्सपेक्टिव है। और देखिए इंडियन डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं नंबर्स के अंदर वो भी इन्होंने यहाँ क्लियर बता रखा है। इसके अंदर भी देखिए कितनी ज़्यादा ग्रोथ, अभी हम फाइनेंशियल ईयर यहाँ 2023 के अंदर हैं तो देखिए यहाँ अभी जो मार्केट है वो 138 की है और ये मार्केट बाय फाइनेंशियल ईयर 32 यहाँ से देखिए ये 330 हो जाएगा और जो नंबर एट प्रेजेंट 138 है वो 330 हो जाएगा। तो कितनी ज़्यादा ग्रोथ पर्सपेक्टिव है। और इंटरनेशनल पैसेंजर की जो बात कर रहे हैं ट्रैफिक वॉल्यूम की, तो देखिए इसमें भी यहाँ इन्होंने बता रखा है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर तो देखिए ये 62 का है जो, और ये फाइनेंशियल ईयर 32 में ये 135 का हो जाएगा। तो देखिए कितनी बड़ी ग्रोथ है, यहाँ से 2.2x की ग्रोथ बता रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ ग्रोथ आने वाली है। देखिए यहाँ क्लियर मेंशन कर रखा है 2.2x की ग्रोथ है और यहाँ 2.4x की ग्रोथ है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे आगे, बस हमें सही प्लेयर को अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना है जो इस कंप्लीट ग्रोथ का बेनिफिट उठाने वाला है। आई थिंक ये वन ऑफ दी बेस्ट प्लेयर है जो कि आपको इस पूरी इंडस्ट्री खाने वाली है, उसके अंदर आपको सबसे जो बेनिफिट दिलवा सकता है वो यही एक प्लेयर मुझे लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये है कंपनी का मोटा मोटा बिजनेस मॉडल। अब हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की। तो देखिए उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीनर के अंदर। तो देखिए एट प्रेजेंट अगर हम बात करें कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की, तो देखिए कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 8200 करोड़ का मार्केट कैप है और करंट जो प्राइस है 382 दिख रहा है, लेकिन ये जल्दी आपको बहुत सस्ता दिखने वाला है क्योंकि इसकी एक तो फेस वैल्यू 1 रुपीज़ हो जाएगी और प्लस इसके अंदर जो बोनस आ रहा है तो इसके कारण ये शेयर की वैल्यू जो प्राइस वाइज है वो 8 टाइम तक कम हो जाएगी। और जो कंपनी का देखिए जो अगर हम बात करते हैं स्टॉक का जो पी है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि कंपनी की क्वालिटी ही ऐसी है फ्रेंड्स। और जो आरओई है देखिए 52% का, डेट इज़ वेरी गुड, और आरओसी देखिए 65 और पैग रेशो 1 से ऊपर है। तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि पैग रेशो 1 से नीचे अगर शेयर लो तो काफ़ी बेनिफिट होता है। ये शेयर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन जो इसकी इंडस्ट्री है वो है ही ऐसी कि फ्रेंड्स मैं आपको क्या बताऊं इस इंडस्ट्री के अंदर कितना बड़ा हमें ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव दिख रहा आने वाले टाइम के अंदर, वो ये सबसे बड़ा प्लेयर है। इसके अलावा देखिए जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 74% है, कोई भी प्लेजिंग नहीं है। उसके बाद देखिए ये इंट्रेंसिंग वैल्यू जो बता रहे हैं वो 70 की बता रहे हैं, यानी शेयर काफ़ी ज़्यादा महंगा ट्रेड हो रहा है। तो एक बार आप एंट्री कर सकते हैं लेकिन नीचे जितना जाए वहाँ आपको एवरेज करने का एक बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा देखिए FIs की होल्डिंग है 2.52 और DIs की भी होल्डिंग है शेयर के अंदर। अब मैं आपको कंपनी की ग्रोथ दिखाना चाहूँगा परसेंटेज के अंदर। तो देखिए अगर हम नीचे आते हैं सीधा तो देखिए ग्रोथ वाइज की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी में कितनी ज़्यादा ग्रोथ है। तो देखिए जो कंपनी की सेल ग्रोथ है पिछले 10 सालों में, हालांकि इसमें माइनस के अंदर रही है ग्रोथ, लेकिन पिछले 5 सालों में दोबारा रिकवरी हुई है इस इंडस्ट्री के अंदर। 18% की ग्रोथ पिछले 3 सालों में, 32% की ग्रोथ और करंट 12 ईयर्स के अंदर करंट 12 मंथ्स के अंदर 68% की ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 55%, 40% और 3 ईयर के अंदर 69% और करंट ईयर के अंदर 33% की ग्रोथ है। और अगर हम बात करते हैं कंपनी के क्वालिटी की, तो देखिए पिछले 10 सालों का जो आरओई है 45% है, इसके अलावा पिछले 5 सालों का जो आरओई है 44% है और पिछले 3 ईयर का 48% है और लास्ट ईयर का 53% है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है इस कंपनी की क्वालिटी वाइज अगर हम बात करें। और
कंपनी के जो वर्किंग कैपिटल डेज़ हैं और जो कैश कन्वर्जन है वो भी काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और फ्रेंड्स, ये आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि इसके जो फंडामेंटल्स हमें दिख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में अगर देखें तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा बड़े प्लेयर्स ने भी इसके अंदर स्टेक ले रखा है और पब्लिक ने भी स्टेक ले रखा है। और अब मैं आपको लेके चलना चाहूँगा टिकर फिनोलॉजी के अंदर, जहाँ हम इस कंपनी की रेटिंग चेक करती हैं। तो देखिए, ये इजी ट्रिप प्लानर मैंने पहले ही ओपन करके रखा हुआ है। तो देखिए रेटिंग, देखिए आप एक बार फ्रेंड्स, तो कंपनी की जो रेटिंग है 5 out of 4 star है, डेट इज़ वेरी गुड रेटिंग। और कंपनी के पास कैश, देखिए कैश काफ़ी ज़्यादा है कंपनी के पास, तो देखिए 123 crores का कैश है और काफ़ी ज़्यादा कंपनी के पास अच्छा कैश है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करते हैं तो पिछले 5 सालों की जो कंपनी की रिटर्न रही है वो लगभग 13% की रिटर्न रही है। और जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट दो रेशो होते हैं जो इसको मैं काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, तो देखिए एक तो ये डेट टू इक्विटी रेशो जो कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलेबल है, इसके अलावा जो कैश फ्रॉम ऑपरेशन और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यहाँ से पता चलता है कि जो कंपनी एक्चुअली जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है, जो कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में दिखाया जा रहा है, और जो एक्चुअल में कैश में कन्वर्जन हो रहा है वो कितना ज़्यादा कंपनी का अच्छा है। यहाँ देखिए कि ये रेशो 1 से ज़्यादा होना चाहिए उतना अच्छा माना जाता है, और ये लगभग 1% के आसपास ही है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए। और ये प्रमोटर होल्डिंग्स की मैंने आपसे बात कर ली थी। और देखिए स्ट्रेंथ और लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो देखिए इस कंपनी में जो लिमिटेशंस दिखा रहे हैं कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन फ्रेंड्स जो आने वाला टाइम है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी तो मेरा ऐसा मानना है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो जिससे इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली है। आप इसकी स्ट्रेंथ और लिमिटेशन एक बार ज़रूर पढ़िए, इतनी लिमिटेशंस जो ये दिखा रही हैं इसके बावजूद इस कंपनी की जो रेटिंग है आप 4 star है, आप खुद ही आइडिया लगाइए। और जो फंडामेंटल्स बोल रहे हैं कंपनी के वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जो मैं आपसे बात कर रहा था बोनस की, तो देखिए ये 22 नवंबर को कंपनी ने बोनस देना है जो कि 1:3 है, यानी जिसके पास कंपनी का 1 share है उसको 1 के बदले में 3 share मिलने वाले हैं। और इसी साल इन्होंने मार्च में भी बोनस शेयर दिए थे। और इसके अलावा देखिए जो कंपनी ने स्प्लिट किया है, मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगा, जो कंपनी ने स्प्लिट किया, जो नई फेस वैल्यू है वो एज पर 22 नवंबर को वो फेस वैल्यू 1 हो जाने वाली है, जो कि प्रेजेंट जो फेस वैल्यू है वो है। देखिए यहाँ पर सुनील सिंघानिया जी ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ था पहले इस शेयर के अंदर, तो काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की नज़र है इस शेयर के ऊपर। और मैं अब आपको इसका चार्ट दिखाना चाहूँगा फ्रेंड्स, तो देखिए ये जो इसका चार्ट है, ज़बरदस्त चार्ट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आप ये देखिए कि जो 2021 के अंदर ये शेयर 104 rupees का था, और एट प्रेजेंट ये शेयर ये देखिए 434 तक आया था, उसके बाद ये करेक्शन शुरू हो चुका है, थोड़ा सा करेक्शन आएगा इसमें, और उसके बाद ये शेयर अपनी अगली आप ये कह लीजिए जर्नी की तरफ ये बढ़ जाएगा, क्योंकि इस शेयर का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ फ्रेंड्स, मुझे कई फ्रेंड्स के कमेंट्स आते हैं कि वो कहते हैं कि हमने शेयर लिया था और वो शेयर गिर चुका है, तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि आप कभी भी कोई भी शेयर में पैसा लगाते हैं तो हम पहली बात तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स कंपनी के अंदर ही पैसा लगाना है। सेकेंडली, जो 50-60% की करेक्शन होती है वो आम बात है, 60% की ये करेक्शन मैं ऐसा मानता हूँ कि जहाँ से शेयर को वापस घुमाते हैं, इसके ऊपर भी हम कंप्लीट एक वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, और मैं आपको बताऊँगा कि किस किस स्ट्रेटजी में आपने पैसा लगाना है। और कभी भी अपना पैसा इकट्ठा एक शेयर में मत लगाइए, हमेशा उसको
हमेशा उसको आप ये कह लीजिए कि अपनी स्लोट्स बनाइए, जैसे आप एंट्री कर गए उसके बाद 50-60% की करेक्शन की एक स्लोट होती है जो मार्केट करती है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा पैसा लगाना है। और एक अपॉर्चुनिटी ऐसे भी आती है जब शेयर 80% से 90% तक गिर जाते हैं, सिर्फ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी एक आपको बिग अपॉर्चुनिटी होती है अपने पैसे को वहाँ लगाने के लिए। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एवरेजिंग का प्रोसेस, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग हेल्दी फंडामेंटल्स कंपनी के अंदर अप्लाई करना है। कोई भी ऐसे वीक कंपनीज जिसके बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग नहीं है वहाँ आपको कभी भी एवरेजिंग नहीं करनी है, ये मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।